Assalam-u-Alaikum, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू ऑफलाइन डाटा, हम ऑफलाइन चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले हमें अपने प्ले स्टोर से एक ऐप है जिसका नाम आपने देख लिया होगा, ओपेरा ब्राउज़र मिनी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसका फुल फॉर्म फुल वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये गूगल हो गया, ठीक है, हम इसके अंदर कोई भी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, मे बी हम कोई टेक्स्ट देख लेते हैं, चले मे बी या नहीं कोई नॉवल चेक करते हैं। नो, मेरी स्पेलिंग ऐसी ही है। अच्छा, ये नॉवल्स आ गए, मे बी हम ये देख लेते हैं। नेट मेरा थोड़ा सा स्लो है, परेशान मत होइएगा, इसमें एड ब्लॉकर लगे हुए हैं। अब हम इसको ही देख लेते हैं, इट इज़ अ नॉवल, ठीक है, मे बी एक जर्नल की छोटी सी वेबसाइट है। हम यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको सेव टू ऑफलाइन कर देंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास वाईफाई ऑन है, हमने इसको सेव टू ऑफलाइन कर दिया। ये सेव टू ऑफलाइन ये हो गया, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये सेव पेज ऑफलाइन, ये अब क्या मतलब हो गया, मे बी देखें ये हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से इसको डाटा को ऑफ कर देते हैं, वाईफाई को। अब चेक करते हैं कि ये वही पेज हमें ऑफलाइन में अवेलेबल है कि नहीं है। यहाँ से ओपेरा में नहीं आएंगे, यहाँ पे ये देखें, ये गोल्ड गेंद बनी हुई, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑफलाइन पेज देखते हैं, ये देख लेंगे आया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। एक दोस्त ने मुझे कहा था कि सर एक ऐसी वीडियो बनाएं जिससे हम डाटा ऑफलाइन यूज़ कर सकें, ठीक है। हाँ, आप अलबत्त आप उस पेज को रिफ्रेश नहीं कर सकते, आप दोबारा जाके उस पेज के ऊपर कोई भी मालूम आता है, कोई भी नॉलेज है, आप दोबारा पढ़ सकते हैं, गेन कर सकते हैं। आप में भी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसे हमें बाद में यूज़ करना चाहते हों, 15 दिन बाद यूज़ करना चाहते हों, 20 दिन बाद यूज़ करना चाहते हों, तो वो यूज़ हो जाएगी। हाँ, अगर आप इसके अंदर अपना जीमेल आईडी और इसके अंदर आप इसको लॉगिन कर लेते हैं, ब्राउज़र को जैसे हम लॉगिन करते हैं, तो वो सबसे बेस्ट है। उससे आपका एक डाटा के दो यूज़ हो जाते हैं, एक आपका डाटा इसके अंदर भी सेव हो जाएगा, दूसरा गूगल ड्राइव की में भी सेव हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।